A new school system began to be built from the 1870s. अब एक नए तरीके का स्कूल का सिस्टम शुरू हो गया जिसकी बनने की शुरुआत हो गई 1870 से. Schooling was compulsory for boys and girls and by 1910 almost universal. अब ये जो स्कूलिंग थी ये बच्चों के लिए चाहे लड़का हो या लड़की दोनों के लिए कंपलसरी कर दी गई थी और 1910 तक आते आते पूरी तरह से इसको जैसे कहें चाहिए यूनिवर्सल कर दिया गया था कि सबको करना है. ट्यूशन फीस वर मिनिमल. जो इसकी पढ़ाई का खर्च था ट्यूशन फीस जो होती है वो बहुत ही कम थी. द करिकुलम हैड बीन बेस्ड ऑन वेस्टर्न मॉडल्स बट बाय 1870s व्हाइल एम्फसाइजिंग मॉडर्न आइडियाज स्ट्रेस वाज प्लेस्ड ऑन लॉयल्टी एंड द स्टडी ऑफ जापानीज हिस्ट्री. अब जो इनका कोर्स मटेरियल रखा गया होगा या जो कोर्स सिलेबस रखा गया वो पूरी तरह से वेस्टर्न मॉडल्स पर बेस्ड था. लेकिन 1870 तक आते आते जहाँ एक तरफ जोर मॉडर्न विचारों को दिया जा रहा था वहीं जो है जोर इस बात पे भी दिया जा रहा था कि पूरी तरह से जो जापान की हिस्ट्री है उसकी स्टडी करी जाए और उसके प्रति जो है वफादारी दिखाई जाए. द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द करिकुलम एंड इन द सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स एज वेल एज इन टीचर्स ट्रेनिंग. जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी उनका पूरा कंट्रोल था इस करिकुलम पे, साथ ही साथ जो टेक्स्ट बुक्स थी उनके सिलेक्शन पे और यहाँ तक कि टीचर्स ट्रेनिंग में भी. व्हाट वाज कॉल्ड द मॉरल कल्चर हैड टू बी टॉट एंड द टेक्स्ट अर्थ चिल्ड्रन टू रिवेयर देयर पेरेंट्स टू बी लॉयल टू द नेशन एंड बिकम गुड सिटीजंस. हम जिसे मॉरल कल्चर कहते हैं वो सिखाना चाहिए या जो टेक्स्ट है उसमें बच्चों को रिक्वेस्ट करी गई कि वो अपने जो है पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें अपने नेशन के प्रति लॉयल रहें और एक अच्छे नागरिक बने. द जापानीज हैड बोरोड देयर रिटन स्क्रिप्ट फ्रॉम द चाइनीज इन द 6th सेंचुरी. जापानीज ने जो है अपनी रिटन स्क्रिप्ट को बोरो किया था चाइनीज से 6th सेंचुरी में. However, since their language is very different from Chinese, they developed two phonetic alphabets. हिरांगना एंड काटकाना. अब क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है उनकी जो भाषा है वो चाइनीज से बिल्कुल डिफरेंट है तब भी उन्होंने जो है दो फोनिक अल्फाबेट्स डेवलप किए. एक था हिरांगना एक है काटकाना. हिरांगना इज कंसिडर्ड फेमिनिन बिकॉज इट वॉज यूज बाई मेनी वुमेन राइटर्स इन द हेन पीरियड. अब हिरांगना जो है इसे एक तरह से फीमेल वर्ड्स का वर्ड माना गया क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा विमेन राइटर्स ने किया था हाइन पीरियड में जैसे कि मुरासाकी थी. इट इज रिटन यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ चाइनीज कैरेक्टर्स एंड फोनिक्स सो दैट द मेन पार्ट ऑफ द वर्ड इज रिटन विद अ कैरेक्टर. इसका ज्यादातर जो इसको लिखा जाता था उसमें चाइनीज कैरेक्टर्स और फोनिक्स का मिक्सचर यूज किया जाता था ताकि जो मेन पार्ट है वर्ड का वो लिख जाए एक कैरेक्टर के साथ. जैसे फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस इन गोइंग गो वुड बी रिटन विद अ कैरेक्टर एंड इंग इन फोनिक्स. जैसे गोइंग लिखना है तो जो गो है वो तो एक कैरेक्टर के साथ लिखा जाएगा जबकि जो इंग है वो फोनिक्स में लिखा जाएगा. द एग्जिस्टेंस ऑफ द फोनिक्स सिलेबरी मीन्स दैट नॉलेज स्प्रेड फ्रॉम द एलिट्स टू द वाइडर सोसाइटी रिलेटिवली क्विकली. अब ये जो फोनिक्स लाइब्रेरी थी इसकी वजह से फायदा क्या हुआ कि जो नॉलेज थी जो ज्ञान था वो बहुत जल्दी बड़े तबके से पहुंच के जो निकल के कहना चाहिए पूरी सोसाइटी में बहुत तेजी से फैल गया. इन 1880s इट वाज सजेस्टेड दैट जापानीज डेवलप्ड अ कंप्लीटली फोनिक स्क्रिप्ट और अडॉप्ट अ यूरोपियन लैंग्वेज. नाइदर वाज डन. 1880 जो था उसमें ये सजेस्ट किया गया कि जो जापानीज हैं उन्होंने एक अपनी पूरी फोनिक स्क्रिप्ट बना ली है या उन्होंने शायद यूरोपियन लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया है लेकिन इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. टू इंटीग्रेट द नेशन द मेजी गवर्नमेंट इम्पोज अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बाय ऑल्टरिंग ओल्ड विलेज एंड डोमेन बाउंड्रीज. अब अपने नेचर जो नेशन था इसको एक पास लाने के लिए जो मेजी गवर्नमेंट थी उसने नए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को तैयार किया जिसमें उसने जो पुराने गांव थे या जो डोमेन की बाउंड्रीज थी उनके जो है उसमें बदलाव किए. द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैड टू हैव रेवेन्यू एडिकेट टू मेंटेन द लोकल स्कूल्स एंड हेल्थ फैसिलिटीज एज वेल एज सर्व एज अ रिक्रूटमेंट सेंटर फॉर द मिलिट्री. अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था इसके पास इतना पर्याप्त मात्रा में पैसा चाहिए था ताकि जो लोकल स्कूल्स हैं या जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको मेंटेन किया जा सके. साथ ही साथ जो है वो एक रिक्रूटमेंट सेंटर भी था मिलिट्री के लिए यानी मिलिट्री में जो लोग भर्ती होते हैं उनका मुख्य केंद्र भी था. ऑल यंग मैन ओवर 20 हैड टू डू अ पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस. जितने भी यंग मैन थे जिनकी उम्र 20 से ज्यादा थी उनको सबको एक टाइम था जिसमें मिलिट्री सर्विस करनी जरूरी थी. अ मॉडर्न मिलिट्री फोर्स वाज डेवलप्ड. अब एक नई मॉडर्न तरह की जो मिलिट्री फोर्स है उसे डेवलप किया गया.
A legal system was set up to regulate the formation of political groups, control the holding of meetings and impose strict censorship. एक लीगल सिस्टम जो है कानूनी तौर पे एक सिस्टम जो है उसको सेट किया गया ताकि जो भी पॉलिटिकल ग्रुप्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसको रेगुलेट निर्धारित किया जा सके, जो भी मीटिंग्स होती हैं उन पे नियंत्रण किया जा सके और जो भी चीजें एक्सपोज हो रही हैं उसके ऊपर एक तरह से कंट्रोल लगाया जा सके, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से. इन ऑल दीज मेजर्स द गवर्नमेंट हैड टू फेस ऑपोजिशन. पर इन सब स्टेप्स को उठाने में गवर्नमेंट को काफी जो है विरोध का सामना करना पड़ा. The military and the bureaucracy were put under the direct command of the emperor. जिसकी वजह से जो मिलिट्री थी और जो ब्यूरोक्रेसी थी अब उसको सीधे एम्परर के कमांड में रख दिया गया. This meant that even after a constitution was enacted, these two groups remained outside the control of the government. अब इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है उसके बाद भी ये जो दोनों ग्रुप्स थे ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर रहे. In all these measures, the government faced opposition. और इन सब की वजह से गवर्नमेंट को जो है काफी विरोध झेलना पड़ा. The tension between these different ideas represented by the democratic constitution and a modern army was to have far-reaching consequences. अब ये जो एक तरह से तनाव चल रहा था अलग अलग विचारों के बीच में जो कि यह कहते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और मॉडर्न आर्मी द्वारा प्रेजेंट किए जा रहे थे, उसके काफी अलग तरीके के परिणाम हुए. यानी कि ये बहुत आगे तक इसके जो है परिणाम होने वाले थे. द आर्मी प्रेस्ड फॉर अ विग्रस फॉरेन पॉलिसी टू एक्वायर मोर टेरिटरी. अब आर्मी जो है इस बात पे जोर दे रही थी कि आप फॉरेन पॉलिसी को अपनाएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी पे कब्जा कर सकें. दिस लेड टू वॉर्स विद चाइना एंड रशिया इन बोथ ऑफ विच जापान वॉज द विक्टर. अब इससे क्या हुआ, चाइना और रशिया दोनों के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ दिया और उसमें जापान जो है वो जीत गया. Popular demand for greater democracy was often in opposition to the government's aggressive policies. ये जो democracy की बात थी ये ज्यादा demand में होती जा रही थी क्योंकि ये जो government की aggressive policy थी काफी जो cruel policies थी जो tension बढ़ाने वाली थी उसके विरोध में हो रहा था. Japan developed economically and acquired a colonial empire that suppressed the spread of democracy at home and put it in collision with the people it colonized. अब जापान जो है आर्थिक तौर पे डेवलपमेंट हो रहा था उसमें और इस वजह से उसने एक कॉलोनियल एम्पायर तैयार करी जिसमें उसने ये जो स्प्रेड हो रहा था डेमोक्रेसी का फैलाव हो रहा था अपने अंदर ही कंट्री के अंदर उसको उसने दबा दिया और साथ ही साथ उसको जो है उन लोगों के साथ जैसे जो उसने कॉलोनीज बसाई उसी में जो है उसने एक तरह से लोगों को शामिल कर दिया. ये कोई डेमोक्रेसी का जो मुद्दा था उन्होंने उसको पूरी तरह से दबा दिया. मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी. Another important part of the Meiji reforms was the modernizing of the economy. अब एक और मुख्य पार्ट जो इन मेजी के चेंजेस का था वो था मॉडर्नाइज करना जो हमारी आर्थिक स्थिति थी. Funds were raised by levying an agricultural tax. अब funds को कैसे लिया जा रहा था कि agricultural tax लगा के. Japan's first railway line between Tokyo and the port of Yokohama was built in 1870-72. जापान की पहली रेलवे लाइन जो कि टोक्यो और पोर्ट ऑफ योकोहामा के बीच में थी वो बनाई गई थी 1870 से 72 के दरमियान. टेक्सटाइल मशीनरी वाज इंपोर्टेड फ्रॉम यूरोप एंड फॉरेन टेक्नीशियंस वर एम्प्लॉयड टू ट्रेन वर्कर्स एज वेल एज टू टीच इन यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स एंड जापानी स्टूडेंट्स वर सेंट अब्रॉड. टेक्सटाइल मशीनरी जो होती है उसे यूरोप से लाया गया, फॉरेन से टेक्नीशियंस बुलाए गए ताकि यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेन किया जा सके, साथ ही साथ वो जो है यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में पढ़ा सके और जापानी स्टूडेंट्स को जो है बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया. इन 1872 मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वर लॉन्च. 1872 में बहुत ही मॉडर्न तकनीक वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं बैंक के उनको लॉन्च किया गया. कंपनीज लाइक मित्सुबिशी एंड सुमितोमो वाज हेल्प्ड थ्रू सब्सिडीज एंड टैक्स बेनिफिट्स टू बिकम मेजर शिप बिल्डर्स सो दैट जापानीज ट्रेड वाज फ्रॉम नाउ कैरीड ऑन इन जापानीज शिप्स. अब जो कंपनीज थी जैसे मित्सुबिशी है या सुमितोमो है इनको सब्सिडीज द्वारा मदद की गई और टैक्स बेनिफिट्स दिए गए ताकि ये बहुत बड़े शिप बिल्डर्स बन गए और इसकी मदद से जापानीज ट्रेड जो है अब वो जापानीज शिप पे ही किया जाने लग गया. जय वास्तु. लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल फैमिलीज डोमिनेटेड द इकोनॉमी टिल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जय वास्तु जो है वो एक तरह से बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि इंडिविजुअल फैमिलीज द्वारा कंट्रोल करी जा रही थी. इन्होंने पूरी आर्थिक जो इनकी स्थिति थी उस पर दबदबा इन्हीं का था और ये बात थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की.
The population, 35 million in 1872, increased to 55 million in 1920. जो population थी, जनसंख्या थी, वो 35 million थी 1872 में, जो कि बढ़कर 55 million हो गई 1920 में. To reduce population pressure, the government actively encouraged migration, first to the northern island of Hokkaido, which had been a largely autonomous area where the indigenous people called the Ainu lived. अब अपनी पॉपुलेशन का जो प्रेशर था इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, माइग्रेशन को जो है बढ़ावा दिया कि पहले तो जो है जो नॉर्दर्न आइलैंड है होकाइडो के वहां जाए. वो एक बहुत बड़ा ऐसा इलाका था जहां पर सारे स्वदेशी लोग रहते थे जिनका नाम था या जिनको कहा जाता था आइनू. एंड देन टू हवाई एंड ब्राजील एज वेल एज टू द ग्रोइंग कॉलोनियल एम्पायर ऑफ जापान. उन्होंने जो अपनी पॉपुलेशन थी बजाय वो एक जगह पॉपुलेशन का प्रेशर झेले, उन्होंने जो उसको शिफ्ट कर दिया. तो पहले तो उन्होंने होकाइडो आइलैंड पे किया, उसके बाद उन्होंने हवाई ब्राजील पे किया, यहाँ तक कि जो उनकी कॉलोनियल एम्पायर बढ़ रही थी उसमें भी उन्होंने उनको भेज दिया. Within Japan, there was a shift to towns as industry developed. अब जैसे जैसे जापान में इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, टाउन्स भी जो है वो शिफ्ट हो रहे थे या उन लोग जो है टाउन्स में शिफ्ट हो रहे थे. By 1925, 21% of the population lived in cities. By 1935, this figure had gone up to 32%. 1925 में 21% आबादी जो थी वो शहरों में रहती थी, लेकिन 1935 तक आते आते ये फिगर जो है 32% हो गई थी, यानी लगभग 22.5 मिलियन तक.